हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। मेरा नाम है अर्चित, वेलकम टू इंजन बडीज। जब भी कोई बजट कार लेने की सोचता है, माने के 6 से 8 लाख के बीच में गाड़ी लेने की सोचता है, तो इस पर्टिकुलर गाड़ी को कोई नहीं भूलता। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ह्युंडई की ग्रैंड i10 नियोस। ये है इसका स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक वेरियंट। इसके ओनर आज हमारे साथ आए हैं, जो हमसे कुछ बेसिक डिटेल्स शेयर करेंगे गाड़ी के बारे में। अभिषेक जी आइए। अभिषेक जी, स्वागत है आपका इंजन बडीज पर। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आपकी गाड़ी के कलर की तारीफ करना चाहूँगा, बहुत शानदार कलर आपने चूज़ करा है। बताइए इस गाड़ी के बारे में ज़रा, आपने ये कब ली, कितने की ली? सो बेसिकली मैंने ये गाड़ी 2019 में ली थी, नवंबर में। मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी कि एक ऑटोमेटिक छोटी गाड़ी, क्योंकि मैं सिंगल ड्राइवर हूँ, मेरी फैमिली जो मेरे को सिटी में कम्यूट करना होता है उसके लिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के हिसाब से मैं एक ऑटोमेटिक वेरिएंट ऑप्शन ढूंढ रहा था। एज अ सिंगल ड्राइवर मेरे को एक छोटी ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी थी, ये उस टाइम सेगमेंट में नहीं आई थी, तो इस वजह से मैंने इसको कंसिडर किया। अभिषेक जी, आपने ये गाड़ी तकरीबन 8 लाख की परचेज करी थी ऑन रोड, आपने सेगमेंट जंप क्यों नहीं करा? भाई 8 लाख में सेडान आ जाती है, आजकल जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज का ज़माना है वो आपको आ जाती, वेन्यू आ जाती, आपने वो क्यों नहीं परचेज करी? सी, फर्स्टली मेरे को एक छोटी हैचबैक ही लेनी थी, सेगमेंट में मैं बड़ा ज़्यादा, मेरे को सिटी ड्राइविंग के हिसाब से, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के हिसाब से एक कार लेनी थी, इस वजह से मेरा फर्स्ट प्रायरिटी थी मैं हैचबैक में अपना ऑप्शन दूँगी। दूसरी चीज़, अगर मैं सेडान वेरिएंट में ऑटोमेटिक में जाता तो वो शायद मेरे बजट को ओवरलैप ऊपर चला जाता, इस वजह से ये एकदम सारे पैरामीटर्स को जस्टिफाई कर रही थी। अभिषेक जी, जैसा कि आपने मुझे साइड में बताया था, आप ह्युंडई की i20 भी ओन करते हैं, आप सेंट्रो भी ओन करते हैं, i20 से शिफ्ट होकर के आपने अपनी डेली ड्राइवर नियोस बनाई, उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न? सी, i20 का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है, फर्स्टली वो मेरे पास मैनुअल है, मेरे को ऑटोमेटिक ऑप्शन लेना था। दूसरा, जो उसकी सेटिंग है थोड़ी क्रम्बल्ड है, तो अंदर जाना बाहर जाना और उसकी जो ओवरऑल लॉन्ग ड्राइव के लिए सेटिंग पोजीशन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो मेरे को इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती। थोड़ी स्पोर्ट्स कार टाइप सेटिंग है, बहुत अंदर घुसी हुई सी सेटिंग है, ये आपको थोड़ा अपराइट बैठाती है, ऊपर बैठाती है। इसकी जो आप सेटिंग पोजीशन देखेंगे तो कमांडिंग सेटिंग पोजीशन दिखती है आपका, मतलब ऊपर से देखोगे सामने का फ्रंट, तो ब्लाइंड स्पॉट्स जो आपका एक कंसर्न होता है वो इसमें इतना इजीली मैनेजेबल है, जो i20 में एक और ड्रॉबैक इसके कंपैरिजन में। जैसा कि आपने बताया, आपने ये गाड़ी ऑटोमेटिक ली आपके कंफर्ट के लिए ही, आप इस गाड़ी को सबसे लंबा कितना ले गए हैं? सबसे लंबा मैं जोधपुर तक ले गया हूँ, जयपुर से, तो अराउंड एक स्ट्रेच में 400 किलोमीटर आप पकड़ के चलिए, 400 साढ़े 400। एंड कंफर्टेबल रहती है, ऑटोमेटिक है तो हाईवे भी अच्छा है जयपुर जोधपुर से, तो मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको ले जाने में। इसकी डिक्की आपके लिए सफिशिएंट है, आप 2-4 लोग बैठते हो तो डिक्की छोटी पड़ती है? सी, अगर आप मैक्सिमम, मैंने 3 लोगों को लेके गया हूँ इसमें, तो 3 लोगों के हिसाब से सफिशिएंट लगेज है। अगर 2-3 दिन का आपका टूर है, वीकेंड गेटअवे है, उस हिसाब से इसकी डिक्की सफिशिएंट है, बट हाँ सेगमेंट के हिसाब से जो इसके कंस्ट्रेंट है डिक्की को लेके वो तो है। आपने इसको नाइट में चलाया है, अंधेरा होने के बाद चलाया है गाड़ी को, इसका नाइट का थ्रो कैसा है? जैसा कि मैं देख सकता हूँ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं इसके अंदर। प्रोजेक्टर है, नाइट का थ्रो भी अच्छा है, बट येलो लाइट है, आई वुड प्रेफर कि वाइट होती, तो आजकल उससे थोड़ा विजिबिलिटी सामने से आते ट्रैफिक में भी आप अपना विजिबिलिटी। एक ड्रॉबैक जो लगता है, येलो की जगह वाइट होता तो ज़्यादा बेटर होता। चलिए, गाड़ी की बाहर से बातें तो बहुत हो गई, गाड़ी को अब चला के देखते हैं कैसे इसका गियरबॉक्स परफॉर्म करता है, आइए अंदर बैठ के देखते हैं। अब हम आ गए हैं ग्रैंड i10 नियोस के अंदर, इसको हम चला के देखेंगे कैसी ये चलती है, परफॉर्म करती है। सबसे पहले अभिषेक जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आज आप 2022 में भी जो चाबी आप यूज कर रहे हैं ये एक फिजिकल की है, इसको आपको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है, क्या आपको, आप मिस नहीं करते कीलेस एंट्री वगैरह? हाँ, मतलब एक पॉइंट पे लगता है कि थोड़ा सा ट्रबल सम है। जो इसके ऊपर का मॉडल आता है जो कि एस्टा है, आप उस पर क्यों नहीं गए? सी, तो i20 जो मेरे पास है वो मैं टॉप मॉडल एस्टा यूज़ कर रहा हूँ, इसके जो मेरी टॉप प्रायोरिटी थी, मेरे को एक ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहिए था, तो वो स्पोर्ट्स में जो इसके फीचर्स हैं वो एक जस्टिफाई करते हैं इसकी प्राइस टैग को। एस्टा और स्पोर्ट्स में बस 2-3 मेजर डिफरेंस हैं, एक जो मेजर डिफरेंस था कि इसमें वायरलेस चार्जिंग है जो एस्टा में आती है। चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, ह्युंडई के पेट्रोल इंजन हमेशा की तरह साइलेंट, काफी स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल जो आपने बात बोली थी कि गियर शिफ्ट होते हुए आपको फील होते हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, सही बात है।
अभिषेक जी, हम आपकी गाड़ी को थोड़े से खराब पैच पर चला करके देखते हैं कि इसका सस्पेंशन कैसा है। काफी सॉफ्टर साइड पे है इसका सस्पेंशन, राइड थोड़ी सी उछालने वाली हो जाती है बम्पी राइड से। आपको दिक्कत नहीं देती ये चीज? सी, ये सेगमेंट ही ऐसा है कि स्ट्रिक्टली सेगमेंट के रूल्स हैं कि ये सिटी सेंट्रिक कार्स बनाता है, तो अगर ऑफ रोडिंग पर्पज के लिए हम इसको ले जाएंगे तो ऑब्वियसली एक ड्रॉबैक रहेगा। ये सेगमेंट सेंट्रिक है, हर कार में ये चीज़ तो मिलेगी कि सस्पेंशन ऑन अ सॉफ्टर साइड और बम्पी रहते हैं। कार भी थोड़ी हल्की है तो इतनी स्टेबल राइड आपको नहीं मिलेगी, जो कि इसके एक अपर वर्जन में मिलता है, i20 बलिनो एल्ट्रॉस, वो थोड़ी भारी है तो थोड़ी ज्यादा स्टेबल रहती है। अब एक बार गाड़ी को ड्राइव मोड में डाल के एक इसका पिकअप चेक करते हैं कि हार्ड एक्सेलरेशन पे ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। अगर आपको साउंड आ रही होगी तो आप गियर चेंज होने को फील कर पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, फिर भी इतना बुरा नहीं है आपको। मुझे नहीं लगता है गाड़ी कोई भी तकलीफ देती होगी, बहुत ही अच्छा इसका गियर चेंज है। अगर आप धीरे नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं तो आपको ये कोई परेशानी नहीं देती होगी। बिल्कुल, वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमको शेयर किया, अपना कीमती समय हमको दिया। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।